Yes, good morning, beta. Let's continue with the revision of the chapter number 4, that is simple equation. Third question, first part from second exercise. Bolna zara bache, first part. Sorry. अब देखो इधर इन दिस यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल एज वेल एज द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज नंबर सो व्हाट यू विल डू हियर यू कैन सी माइनस टू सो यू विल एड टू ऑन बोथ द साइड माइनस टू है ना तो यू विल एड टू ऑन बोथ साइड्स दैट विल गिव यू थ्री एन माइनस टू प्लस टू इक्वल टू 46 प्लस टू जब आप इसको एड करोगे तो प्लस माइनस टू जो है That will cancel out. ये cancel हो जाएगा यहां से क्या आ जाएगा 3n is equal to 3 multiply हो रहा है divide by 3 on both sides. 3 will cancel out and this will give you 16. So in this manner, you will separate the variable and number. Got it? Any doubt? Step कौन से थे? ये first step था ये? ये लिख भी दिया, solve भी कर दिया. ठीक है? Clear है? ये तब करने हैं जब लिखा हो. Write the step. Otherwise, simple solve करने. जैसे next question है, देखो. Fourth question देखो. सॉल्व तो वो आपने सिंपल कुछ नहीं लिखना माइनस टू इधर चला जाएगा थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बस दैट्स इट चलो करो स्टार्ट आ जाओ आप बच्चे नेम भूल गई मैं फिर से हाँ रिहाने का आ जाओ बस एक बार याद हो जाएंगे सामने आई ठीक है बाकी याद ही है सर्वव्यापक ठीक है बच्चे इधर सेकेंड पार्ट करो घर की बात कर रहे हो ना ये वही बात कर रहे हो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल कैंसिल करने के तभी तो किया हमने प्लस टू अपनी तरफ से क्योंकि वो माइनस टू था हमें पता था कट हो जाएगा बुक तो लगता है कभी खोली नहीं आपने यहाँ से कॉपी मत करो बच्चे आपको आते आप अपने आप करो अपनी लैंग्वेज में लिखो अपने आप सेम तो है सेम कॉपी नहीं करना यहाँ से क्या बैठी थी टेस्ट का आप लोग हाँ जी मैं यहाँ पे लिख दूँ डिवाइड फाइव और लिख दूँ करना तो यही
Answer of this question is 6. P we are getting as 6. Next part. Then start next question number 4. Simple question. Simple but terms from the lesson. Happy to move. Start examples. Don't say 3. And even read the introduction. करके किया करो बेटे तो यहाँ पे ध्यान ही यहाँ करो क्वेश्चन जब करते हैं आधा इधर चलो आधा इधर करिए इधर करिए समझ आ रहा है यही रख देना मैं यही कर दूंगी
कल लेके आना नोटबुक ना सर। इंडेक्स भेजना, चलो इंडेक्स भेजना। आपसे मुझे लगता है कि चेक करके भेजिए आपको। मुझे याद नहीं है, आप समीर की तो करी थी, मुझे याद है आपकी नहीं याद। हाँ जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव फिनिश्ड। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज सिंपल, यू हैव टू जस्ट सिंपली सॉल्व इट। आपकी मर्जी है जैसे मर्जी, उसमें भी यही करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करो स्टार्ट। आता है सक्षम? चलो क्लीन करो इसे, फिर एक्सप्लेन भी करना है। P is equal to 100. बोल के बताओ। P is equal to 100 upon 10. Why 10? You have taken here. Yes. बोलो ना, multiply हो रहा था। It's P multiply. When you shift 10 on the right side, it will divide. So it will become 100 upon 10. नहीं आप नहीं अपना तो ऐसे ही है। अब मैंने बच्चे कितनी बार ये बात बोली है, वो कब लिखना है, वो जब लिखा होगा राइट द फर्स्ट स्टेप या राइट द स्टेप तब करना है, जब कुछ नहीं लिखा तो ऐसे सॉल्व करना है सिंपल। करो सेकंड पार्ट, आप सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं लिखना। बच्चे एग्जाम में कभी भी वोला मेथड नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। हो सकता है वन मार्क में कोई आपसे पूछ ले राइट द फर्स्ट स्टेप, राइट द सेकंड स्टेप, इसलिए करवा रहे हैं। अदरवाइज सिंपल आता है सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं सिंपल इक्वेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बस इतना ही होता है। बच्चे ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं। जब लिखा हो राइट द स्टेप तब, ये बॉयज की जो आवाज आ रही है ना, इसको बंद कर लो। बच्चे आप तो फिर वही मेथड करने लग गए। कौन सा मेथड करना है? सिंपल प्लस टेन उधर जाके, ये नहीं करना। रब करो, क्लीन करके दोबारा करो। हाँ ये तो आप ओवला करने लगे, स्टेप वाला, ओवला मेथड नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना। वैसे ये कर भी देते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ये भी, लेकिन आप करना ही क्यों है? हमने जो स्ट्रेट मेथड है उसे चलेंगे हम। अब ये टेन इधर था, यहाँ चला गया, फिर यहाँ कैसे आ गया? एक ही टेन है ना? नहीं ये नहीं आएगा यहाँ, ये इधर चला गया। आप उठ के यहाँ से यहाँ चले गए, सीट चेंज करके आप यहाँ पर भी बैठे, उसका मतलब फिर वो टेन चला गया, उसे अपनी जगह चेंज कर ली, उसका फ्रेंड वहां बैठा था ना, उसको बुला रहा था, इसलिए चला गया वो उसके पास। कॉन्स्टेंट है इसलिए कॉन्स्टेंट के पास चला गया। क्या डाउट है कोई? मुझसे पूछो डाउट है तो। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज इफ यू हैव डन दिस।
डू ऑल द पार्ट्स, डोंट स्किप एनी पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. सब पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, तो सब सारे सारे सॉल्व करने हैं आपने. व्हाट हैपेंड, ओके गो नेक्स्ट, आ जाओ. रब दिस, कर लो इधर. आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले एक्सरसाइज कर ले उसके बाद. एग्जाम्पल एंड ईच एंड एवरी लाइन दैट इज गिवन इन द चैप्टर यू हैव टू रीड इट थॉरली. गॉट इट, वो भी रीड करनी है. हर लाइन में से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो वो रीड करना है आपने. कौन सा पार्ट किया आपने? माइनस था यहां पर. आंसर क्या आएगा? माइनस 15. चलो आओ सर्वव्यापक, नेक्स्ट इज योर टर्न. कम कम हरी अप, आ जाओ आप भी आ जाओ. प्रभदूत, किसी की भी नहीं आई बेटे, जो नहीं जो आज नहीं हुआ वो उनको बुला रहे हैं, उसके बाद फिर बाकियों की टर्न आएगी. आप ई पार्ट करो, फोर्थ का ई. आप एफ, ये क्लीन कर दो बेटा, ये भी क्लीन यहाँ कर दो. आप इधर कर दो बेटा, ये लो. क्वेश्चन पूछना गलत है. पेपर की प्रिपरेशन कैसी होगी? क्या तो पूछना ही है, पढ़ना नहीं. बड़ा एंजॉय कर लिया अब तो, स्कूल आ गई तो पढ़ना ही है. चलो आगे वाशिंग एच कॉर्ड उस साइड पे चले जाओ. दस बार तो कह रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रही तो क्या करें. सीधा प्लस 12 को इधर लेके आने की कोशिश करो. इसे 3s is equal to 0, 3 को उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो. s is equal to 0 upon, हां जी 0 by 3 क्या होता है? जीरो लिखो, एस इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट लाइन आंसर आ गया जीरो. चलो अगला पार्ट करो, आई पार्ट. इसे थोड़ा सेंटर में करो, इधर आवाज. आज आ जाएगी आंसर, उसके बाद कर दूंगी डिस्कस. आज कोई ऐसे भी हुई जिन्होंने दिया ही नहीं होगा अभी तक, तो मैंने नेम चेक करने हैं. सबने क्विज अटेम्प्ट कर ली थी? Yes. नहीं करी? ग्रुप में आई हुई है आज, कर लेना. इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है वो, अभी तो जीरो लगेगा. आपने किया सर? अभी आपने
आप सबने कर ली बाकी, आप रह गई हो आज कर लेना इस लाइन में से, नहीं की आज कर लेना, नहीं तो वो लिंक बंद हो जाएगा, फिर जीरो है उसके बाद, घर जाते सर कर लेना, 5 मिनट लगेंगे। कर ली आप दोनों, करो कर ली आप में कोई फ्रेंड अगर आपका कोई रहता है उसको इन्फॉर्म कर देना कि कर ले। रिद्धिमा ने की है पता है, पूछ लेना एक बार, मैसेज कर देना उसको। बच्चे सबने क्विज अटेम्प्ट करनी है, अगर नहीं की है तो कर लेना आज, लिंक क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट 0 marks। आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट इट अगेन आज तक रात तक। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अगर इन्होंने क्विज नहीं की है बच्चे आज कर लेना, ठीक है, मैं कल एक बार डिस्कस कर दूंगी उसके क्वेश्चन, उसमें मार्क्स हैं 10 marks का है, वो मार्क्स मैंने लगाने हैं आपके, जो आप स्कोर करोगे वही मार्क्स लगेंगे। पिछला क्वेश्चन ठीक है, ये गलत हो गया, क्यों निकालना है दोबारा करो, 10-12 इधर जाके मैंने मना किया ना दूसरे की चीजों को हाथ मत लगाओ, समझ में नहीं आ रही। क्यू की वैल्यू फाइंड कर रही है, मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके, देखो क्यू इज इक्वल टू, हाँ जी एक क्वेश्चन और करो, जे पार्ट करो सॉल्व, आंसर क्या है, क्यू इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट नहीं कौन रुको और कौन रह गया, आप मलाई के साथ भी इसी क्वेश्चन का के पार्ट सेंटर निकल के स्क्रीन से बाहर निकल के क्या करो सेंटर में, कोई बात नहीं बाहर करो। जी 0+6 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जाओ, अल्फा क्या चाहिए, क्या करना, मार से डालो
कभी हमें नहीं मारना है, कभी हमें नहीं मिलनी नहीं वैसे तो आजी के लिए मैं जाती हूँ। रूद्र कल कहाँ थे? क्वेश्चंस कंटिन्यू करो, ये एक्सरसाइज फिनिश होगी ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, स्टार्ट करें कि कल होगी स्टार्ट?